सिंगल की शेप आप अपनी मर्जी से रखवा दी क्लिपर्स का मतलब ये है कि एक पार्ट है क्लिप हो रहा है साइन में आप सिंगल दे रहे हैं आप अपने पार का या नेमर का एनोड सेम बुशा ध्यान आउटपुट आगे लगता है ना आउटपुट बाद में लगाएंगे पूछा पहले तुम रेजिस्टेंसेस और डायोड्स को कनेक्ट करो ना ये एक सब वन की है ना हाँ ये वन की है ठीक है ये हमारी लो पे है ठीक है इसको हम लोगों ने लो वोल्टेज दिया है और इसको दूसरी वाली को हम लोग ना हाई वोल्टेज देंगे ठीक है विच इज़ 5 एंड दिस इज़ 0 आउटपुट अच्छा अब आउटपुट हाँ आउटपुट इनके ना हम लोगों ने सेम पॉइंट से लेनी है ठीक है ना इनका सेम ये सारे ये जो है ना वो एक ही सेम पॉइंट्स हैं तो यहाँ से ले लो आउटपुट ना सेम पहले में थे अब तुम्हें समझ आई जो रेजिस्टेंस से जा रही है ना वो इन दोनों के ना डायोड्स के कॉमन पॉइंट्स से जा रही है ठीक है ना हम लोग ये यहाँ या यहाँ नहीं लगा सकते आउटपुट ठीक है क्योंकि डायोड्स के जो कॉमन पॉइंट्स हैं ना ठीक है ना वहाँ से जा रही है गलत लगी ठीक है चलो अब सारे कनेक्शंस हो गए ठीक है चलो अब इनके आउटपुट्स देखते हैं अच्छा उसमें और इसमें ये फर्क है कि रेजिस्टेंस के उसमें ठीक है और अब ये देखो ये, जीरो ये देखो अब ये हमारी है जी 00 पे ये वन भी ठीक है एक मिनट रुको 00 पे पहले 00 पे करो और हमारी लेड जो है वो नहीं चल रही ठीक है अब हम लोग दूसरी 001 करेंगे ठीक है हमारी लेड फिर से ऑफ है ठीक है अब हम लोग 10 करेंगे ठीक है और हमारी जो लेड है वो फिर से ऑफ है अब हम 111 ठीक है ये भी 1 पे 5 भी 1 पे और हमारी जो लेड है वो ऑन है और इसमें जो हम लोगों ने रेजिस्टेंस यूज़ किया है वो 1 के की है और जो और गेट में रेजिस्टेंस यूज़ होनी है वो 10 के की होनी है ठीक है एंड दिस इज़ ऑल अबाउट एंड गेट ठीक है नाउ यू कैन डू इट इन योर प्रैक्टिकल ठीक है विशाल